खेला था, ये तो सिर्फ एक गेम था और हम सिर्फ नामों के साथ मस्ती कर रहे थे, राइट। और एक्चुअली श्वेता तो जीत गई और उसके लिए हमने ताली बजाई, लेकिन इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता और कौन हारा, राइट। लेकिन अगर तेरे पास कोरोना वायरस का फॉर्मूला, वैक्सीन का जो फॉर्मूला है, राइट, कि वैक्सीन के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, राइट, अगर मेरे पास कोई कोरोना वायरस का फॉर्मूला होता, राइट, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी होता, क्योंकि लोगों की जान बच सकती थी, राइट। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो एक वायरस के फॉर्मूला से भी बहुत ज्यादा अधिक जरूरी है, राइट। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज जो हम नीति वचन में से जो पढ़ेंगे, वचन हमें वही सिखाता है, राइट, कि कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं और बहुत मूल्यवान, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज जो हमने हमने एक छोटा सा मैंने एक इन्विटेशन भेजा था, राइट, उसमें क्या आज इस सेशन में हम क्या करेंगे, उसमें एक वचन लिखा था, राइट, नीति वचन से। आई एम नॉट श्योर कि किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। एक एक टिप दूंगी, स्पेशली आप सब यूथ के नौजवान हैं, ओके, अगर कोई आपको कोई इनविटेशन भेजता है, राइट, आपके यूथ ग्रुप पे, और वहां पे लिखा गया है कि ये वचन है, थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ने की कोशिश करना, राइट, बहुत जरूरी है। और अगर हम पढ़ के एकदम तैयार होके आते हैं ना, तो हमें सीखने का और हम और ज्यादा सीख सकते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम में जरूर काम करेगी और हम और ज्यादा सीख सकते हैं, राइट। तो आज के जो वो जो इनवाइट था, मैंने बस कुछ ऐसे मस्ती में कुछ कुछ लिखा था कि हमारे मन में क्या क्या होता है, हमारे चारों ओर क्या क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है वो सही और गलत वो क्या है उसके बारे में नहीं है, ओके। सो अगर कोई पूछेगा कि क्या व्यभिचार सही है, तो नहीं, वो ऑब्वियसली गलत है, राइट। अगर कोई पूछता है कि मैं एक्चुअली अपने लाइफ में कुछ ज्यादा कर नहीं रही या कुछ ज्यादा कर नहीं रहा, तो क्या मैं अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहा हूँ, इन सब चीजों का जो उत्तर है वो बहुत आसान है, राइट। ये तो हमें पता है कि ये सही है और ये गलत है। कुछ कुछ चीजें होती है लाइफ में जो बहुत, इसमें कुछ ज्यादा सीखने समझने की कोई बात नहीं है, सही रास्ता ये है और गलत रास्ता ये है, ठीक है। एंड आई होप कि हमें कोई सेशन की जरूरत नहीं है इन सब बेसिक सी चीजों को सीखने के लिए, लेकिन आज का जो सेशन है, राइट, मैं जल्दी से देख रही हूँ, आप सब 20 साल से ऊपर, अमायरा को छोड़ के, राइट, सब 20 साल की उम्र से ज्यादा है, राइट। और इन सब जो जो बातें बहुत बहुत सीधा उनके उत्तर बहुत सीधा है ऐसे प्रश्नों के, राइट, इन सब चीजों को आप यूथ में आते हैं, सत्संग में आते, सही गलत में निर्णय करना, चुनाव करना, ये आसान होना चाहिए, राइट। लेकिन आज का जो सेशन है वो उन प्रश्न और उत्तर के बारे में है जो सच में लाइफ में मुश्किल है, ओके, कोई सीधे जवाब नहीं है, उन सब बातों पे हम थोड़ा सा मनन करेंगे, ओके। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, ओके। मेरे ऑफिस में, मेरी टीम में एक एक मेरे एक टीम के मेंबर है, और 5 साल पहले जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, इंडिगो को ज्वाइन किया, बस ऐसी बातें हो रही थी, मैं ज्यादा कुछ जानती भी नहीं थी, और पता नहीं कैसे जब बातें बातें करते हैं तो मन कहीं और ही शिफ्ट हो गया था। और हम ऐसे लोगों के बारे में बात करना शुरू किया हमने जो धोखा देते हैं, ओके, जो सच में धोखा, धोखेबाज है, धोखा देने वाले। और उसने कुछ बोला जो मैं आज तक, 5 साल हो गए, मैं उसको उस पर काफी सोचती हूँ, क्योंकि ऐसे एक्चुअली किसी ने मेरे को पहले बोला नहीं था। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ओके। सो ये जो लड़का है वो बिहार के हैं, और उनके घर पे ना जमीन जमीन जायदाद बहुत है, राइट। इनफैक्ट हर साल वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें अपने घर से ना वो आम देते हैं, और मतलब 170 किलो आता है, राइट, प्लेन में आता है, और हमारे घर पे आम भी आता है, 170 किलो हमारे घर में नहीं आता, वो सब वही 25-30 आते हैं, राइट। तो बहुत बहुत बड़ी जमीन है वहां पे। और जब वो छोटे थे,
मतलब बहुत बहुत छोटे, शायद मे बी 2-3 साल की उम्र के थे, घर की जो सीढ़ी थी राइट, वो एकदम छोटे थे लेकिन अभी भी उनको याद है, वो सीढ़ी पे वहां पे खड़े थे और उनके चाचा ने उनको धक्का मारा राइट, ताकि वो गिर जाए। और उन्होंने ऐसा किया कि क्योंकि वो क्योंकि उन उनके घर में उनको छोड़ के और कोई मर्द बच्चा नहीं था, सारी लड़कियां थी, तो अभी जमीन जायदाद का क्या होगा, उनको पता था कि इस बच्चे को सब जाएगा एक दिन। तो उसको सोच, तो जब लोगों को कुछ चाहिए होता है और उनको मिलता नहीं है तो वो क्या कर देते, जो उनके पहले है जिनको मिलेगा उसको खत्म कर देते राइट। तो ये थी इस लड़के की बैकग्राउंड, और इसलिए छोटे सी उम्र में उसको यू नो बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, वो वापस कभी घर नहीं जा सके क्योंकि मतलब आना जाना होता था पर वहां पे रह नहीं सकते थे क्योंकि जान को बहुत खतरा था। तो जब वो स्कूल जा रहे थे, बोर्डिंग स्कूल में उनको जाना था क्योंकि उनको जान को यू नो खतरा था, जो एक बार ही कर सकता है यू नो वो दोबारा भी कर सकता है। तो उनके पापा ने एक चीज बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं आगे जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्योंकि जो आपके चाचा हैं वो मुझे भी मार सकते हैं राइट, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो धोखेबाज है ना उस पर कभी विश्वास नहीं करना। तो फिर मैंने बोला, मैं स्टोरी सुन रही थी और मैंने बोला कि आपके पापा ने ऐसा इसलिए बोला कि जो धोखेबाज है वो तुम्हें दोबारा धोखा दे सकता है, इसलिए उन्होंने बोला। उन्होंने बोला नहीं, मेरे पापा ने बोला कि जो धोखा एक बार दे सकता है वो दोबारा जरूर देगा, ऐसा नहीं है कि कोई डाउट है कि वो देगा कि नहीं देगा। और ये बात ना मेरे मन में एकदम आई थिंक जस्ट जम गई। लेकिन हम मसीह हैं राइट, और हम लोगों की बातों पे नहीं चलते, जो हमारे पवित्र यू नो शास्त्र बाइबल में है उस पे हम चलते हैं राइट। और फिर मैंने सोचा कि क्या उन्होंने जो बोला वो सही है, जो हमें जिंदगी जीनी है क्या इन सब बातों पे को लेकर जीनी है। अगर ये गलत है तो क्या मुझे अपने जो सोच है उसको क्या बदलना है। और अगर लाइफ में मेरे यू नो किसी से मुलाकात हो जो सच में धोखेबाज है, तो फिर मेरा रिस्पांस कैसा होना चाहिए, उनके प्रति मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं छोटा सा उदाहरण दिया है ओके। जिंदगी में सिर्फ हर कोई धोखेबाज नहीं होता है राइट, और हमें हर किसी को उस नजर से नहीं देखना है कि क्या मुझे धोखा देगा कि नहीं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, ऐसी गहरी बात करने वाले हैं ओके। सो हम दुआ के साथ शुरू करते हैं कि परमेश्वर हमारी सोच को, हमारे मन को, हमारे दिलों को खोल दे, ताकि उनके वचन में जो गहरी गहरी बातें हैं वो हमारे मन में एकदम चले जाए ओके। सो निहाल, आप हम सबके लिए दुआ कर सकते हैं प्लीज। लेट्स प्रे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने प्यारे पिता परमेश्वर यह समय दिया प्रभु जी कि हम एक बार प्रभु जी फिर से हम इकट्ठे हो सके प्यारे पिता परमेश्वर, इस ऐप के द्वारा प्रभु जी हम फिर से पिता परमेश्वर मिल सके प्रभु जी। खुदा जी हम धन्यवाद देते हैं इस समय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्यारे प्रभु जी आप हमारे हृदयों को प्यारे परमेश्वर तैयार करें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर जो कुछ भी आज हमें सिखाया जाता है प्यारे पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अपनी पूरी बुद्धि अपनी पूरी समझ के से पिता परमेश्वर यहाँ पर बैठने वाले हों प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो कुछ भी सीखे प्रभु जी उसका अनुसरण करके हम चलने वाले हों प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी आप हमारे हृदयों को तैयार करें प्रभु जी, आगे के वचन के लिए आगे की सीख के लिए प्रभु जी आप हमारे हृदयों को तैयार करें प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी हर एक जन को पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, पा देते हैं। आमेन। थैंक यू निहाल। ऑलराइट, सो आप सबके पास अगर बाइबल है प्लीज बाइबल को खोले, नीति वचन ओके 8वां चैप्टर ओके, नीति वचन 8:1-11 हम पढ़ेंगे ओके। आप अपने बाइबल में प्लीज फॉलो करें, अगर आपके पास पेन पेपर है आप थोड़े से नोट्स भी लिख सकते हैं ओके। लेट्स जस्ट परमेश्वर के वचन पे यू नो ध्यान देते, परमेश्वर हमारी ज्ञान और बुद्धि का स्तर और बढ़ाए और बस हमारी सोच को और गहरा करे। All right.
ओके सो इस ये जो ये हमारा एंकर पैसेज रहेगा, ठीक है. एंकर को हिंदी में मैंने गूगल किया, उसका नाम था लंगर. मैंने लंगर मैंने सोचा कि सिर्फ ये गुरुद्वारा में जो खाना होता है वो लंगर होता है, बट आई डोंट नो. सोनू लंगर बोलते हैं एंकर को? एंकर रस्सी भी बोलते हैं, लंगर रस्सी को बोलते हैं. ओके ओके थैंक यू सोनू. बेसिकली जो जहाज होता है ना, कि जब वो वापस यू नो तट पे आता है तो उस ऐसे वो फेंकते हैं, राइट, कि वो और इधर उधर ना जाए. तो आज जो हम सीख रहे हैं ये हमारे वो एंकर है, हम आपकी सारी सोच इस पैसेज पे रखेंगे. ओके सो नीति वचन 8:1-11. ओके एक छोटा सा और टिप मैं देना चाहती हूँ आपको, ठीक है. आई होप कि सब एक बाइबल रीडिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं. 6 महीने खत्म हो गए इस साल के, लेकिन अभी 6 महीने और बाकी हैं. ओके तो अगर आपका बाइबल रीडिंग प्लान थोड़ा सा छूट गया है, नो प्रॉब्लम, उसको दोबारा से प्लीज आप अपने सोनू भैया से, मनोवा भैया से, किसी से भी, राइट, लीडरशिप टीम में किसी से भी बाइबल रीडिंग प्लान मांग सकते हैं. और आज आपको 6 महीने का पहले खत्म करके फिर आगे नहीं बढ़ना है, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं और आपको करना चाहिए. और अगर आपके पास नहीं है, मेरे से मांगो, मैं आपको दूंगी. ओके लेकिन आई होप कि आप सब एक बाइबल रीडिंग प्लान, हम ये नहीं बोल सकते हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, लॉकडाउन में बहुत समय है, और समय नहीं भी है तो हमें निकालना है. ओके जरूरी चीजों के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है. सो आई होप कि सब एक बाइबल रीडिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं. ओके सो यूजुअली सुबह को हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन छोटा सा टिप देना चाहती हूँ आप सबको, 2 या 3 महीने साल में, ओके कोई सा भी 2 या 3 महीने साल में आपको नीति वचन पढ़ना चाहिए. ओके 31 chapters हैं, इसलिए हम अपने संडे स्कूल के बच्चों को साल के पहले महीने में, जनवरी महीने में 31 दिन है, 31 चैप्टर है, बड़ा सिंपल है, सबको एक एक चैप्टर पढ़ना है. 2 या 3 महीने अगर आप नीति वचन हर रोज पढ़ो, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि वो साल भर हर महीने नीति वचन रात को पढ़ते हैं, एंड बहुत बहुत जरूरी है. ओके तो मैं तो बस हमेशा दुआ करती हूँ कि हमारे सन्डे स्कूल के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, यूथ में आएंगे और यूथ से भी आगे निकल जाएंगे, वो ये आदत, अच्छी आदत को कभी नहीं भूलेंगे, राइट. क्योंकि आई फील कि नीति वचन से हम कभी ग्रेजुएट नहीं होते हैं, ठीक है. ऐसा नीति वचन ऐसी किताब है हमारी बाइबल में जो हमें सच में साल भर पढ़नी चाहिए, राइट. मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप नीति वचन पढ़ो, राइट, आपकी जिंदगी सच में बदलेगी, पक्का से बदलेगी. ओके ठीक है, अपने पैसेज में जानते हैं, राइट. ओके नीति वचन 8:1-11. ओके सो थोड़ा सा इमेजिन करो कि 2 पहाड़ है और उसके बीच में एक शहर है. उस शहर में से बाहर जाना है, ठीक है, तो एक टी पॉइंट आता है, जैसे कि नाथूपुर का तोताराम चौक टी पॉइंट, ठीक है. टी पॉइंट पे यू नो हम ये एक आदमी सफर कर रहा है. ओके सो यहाँ पे लिखा है कि एक आवाज निकल रही है, क्योंकि उसको नहीं पता कि किस तरफ जाना है, लेफ्ट जाना है कि उसको राइट जाना है. तो यहाँ पे लिखा है कि जो बुद्धि है उसकी आवाज सुनाई दे रही है, बुद्धि अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा भी कर रही है. आप सब अपने बाइबल में फॉलो करो. ओके एक यू नो क्रॉस रोड आ जाता है, एक टी पॉइंट जैसे आ जाता है, और वहां पे वो खड़ी है. वहां पे 3rd verse में लिखा है कि जो गेट है वहां पे वो जोर की आवाज में चीख रही है और बोल रही है, जो मनुष्य वहां से निकल रहे हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, कि उन्हें बुद्धि सीखना जरूरी है. जो मूर्ख हैं उन्हें सच में बुद्धि की बहुत जरूरी है, जरूरत है. और फिर एक आवाज निकल रही है और वो कह रही है कि मैं सच्चाई की बातें कर रही हूँ, मेरे जो लिप्स हैं, राइट, उसमें से जो सही है वो निकल रहा है. मेरे जो होठ हैं उसमें से जो सही है वो निकल रहा है. मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ सही बातें निकल रही है. जो दुष्ट बातें हैं वो मैं अपने होठ से कभी भी नहीं निकालती. 8th में लिखा है, जो भी मेरे मुंह से निकलता है वो खरा है और वो सच्चा है और वो सीधा है और वो धार्मिक है. इसमें से ये एकदम ये ट्विस्टेड नहीं है, किसी ने इसको वो एकदम वो सही सही बात है, एकदम सीधी सी बात है, किसी ने उसको गलत तरीके से नहीं किया है.
9 में लिखा है कि जो सीधा साधा आदमी है वो उसको अच्छी तरह से समझ सकता है, जो बुद्धि को ढूंढ रहा है उसको वो बात समझ आ जाएगी। 10 में लिखा है कि जो मेरी बातें हैं राइट वो चांदी से भी बढ़ के है, और जो बुद्धि की बातें हैं वो जो सबसे सुंदर और चुना हुआ सोना है उससे भी ज्यादा है। 11 में लिखा है कि बुद्धि गहनों और चांदी और सोना से बढ़ के है, जो भी आपका दिल चाहता है उससे बढ़ के है। ओके, सो यहाँ पे 1 से लेके 11 में ऐसे लग रहा है कि एक जैसे कि हम एक मूवी देख रहे हैं राइट। तो 2 पहाड़ है, शहर बीच में है, आदमी उस शहर से निकल रहा है, एक ही सही रास्ता है, वो टी पॉइंट पे आ जाता है, उसको लेफ्ट जाना है कि उसको राइट जाना है राइट, उसको नहीं पता। उसी टाइम पे एक आवाज आती है, बुद्धि की आवाज, जिसकी आवाज में सच्चाई है, जिसकी आवाज जैसे कि उसको बुला रही है और हाथ जोड़ के बुला रही है कि मेरी बात सुन लो, किस तरह जाना है मैं तुम्हें बता रही हूँ, सीधी सी बात बता रही हूँ, मेरे बातों में कोई वो ट्विस्टेड नहीं है, वो एकदम सीधा है राइट, कि किसी ने उसको जैसे कि मोड़ नहीं दिया है, गलत तरीके से नहीं बोला है राइट, जो सही बात है वही मैं तुम्हें बोल रही हूँ। दीदी वचन 8:1-11 में राइट, जो बुद्धि है उसकी ना एक जैसे कि एक परिभाषा यहाँ पे है राइट, और अंत में 11 में ये लिखा है, सो जो बुद्धि की बातें वो सीधी है, जो सीधे साधे लोग हैं वो उसको समझ जाते हैं, जिनमें कोई वो फालतू में बातों को यू नो ट्विस्ट नहीं कर देते हैं राइट, वो अच्छी तरह से उसको पकड़ लेते हैं, उनके होठों से कोई गलत बात नहीं निकलती है, जो आदमी सच्चाई को ढूंढ रहा है वो उन बातों को सुन पाएगा और उसी रास्ते पे चल पाएगा। ये है बुद्धि की परिभाषा राइट। और अंत में स्पेशली 11 में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि बुद्धि चांदनी और सोना और बहुत बहुत गहने उनसे कई कई ज्यादा है, और फिर अंत में लिखा है कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए उससे कई गुना बढ़ के बुद्धि है। ओके, सो 11 के अंत में ये भी लिखा है कि जो बुद्धि की जो तुलना है वो और किसी चीज के की तुलना के से कई नहीं की जा सकती है, वो इन सब चीजों से बढ़ के है राइट। और आप सबको पता है कि स्पेशली भाई बहनों में जब झगड़ा होता है या 2 बहनों में झगड़ा होता है जब हम छोटे थे राइट, और हमें कोई बोलता था कि तुम अपने भाई की तरह बनो, तुम अपनी बहन की तरह बनो राइट, हमें बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि कोई हमारी गलतियां निकाले तो ठीक है, लेकिन मुझे उस भाई की तरह नहीं बनना, उस बहन की तरह नहीं बनना राइट। तो सबसे ज्यादा इंसल्ट क्या लगता है हमें कि कोई हमारी तुलना किसी और के साथ करे, हमारी बुराई कोई निकालता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन तुलना मत करो मेरी राइट, मुझे किसी के साथ कंपेयर मत करो, हमें सबसे बेवकूफ लगता है राइट, और वो बड़े होके भी वही होता है राइट। यहाँ पे बुद्धि बोल रही है कि मेरी जो तुलना है ना किसी और चीज के साथ करना नहीं राइट, और हम सबको बस याद रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी में जितनी भी गाड़ी बाइक घर, आपने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत पैसा आ गया, नाम बहुत कमा लिया, सब आपको बोलते कि वाह वाह इसको देखो इसको देखो, या जो सेवकाई करते हैं राइट, सेवकाई की भी परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत बड़ी बात चीज कर ली, फेसबुक में आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए राइट, शायद आपके संबंध सच में बहुत अच्छे हैं और गहरे हैं, इन सब से बढ़ के बुद्धि बोल रही है कि मेरी तुलना इन सब चीजों के साथ मत करना राइट, इंसल्ट होता है बुद्धि का। तो वो कहते हैं कि मैं इन सब चीजों से कई 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 ज्यादा बढ़ के हूँ राइट। अगर ये 8 चैप्टर अगर आप पढ़ते पढ़ते जाओगे तो बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा इस सृष्टि को बनाया है, बुद्धि के क्या क्या गुण हैं, जब बुद्धि होती है तो परमेश्वर किस तरह से सफलता देते हैं, किस तरह से सब कुछ बहुत सुंदर कर देते हैं
और अगर 8 के एकदम लास्ट वर्स में देख 35-36 अगर हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि बुद्धि को जिसने जान लिया उसने जीवन पा लिया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, लेकिन जो मुझे नहीं पाता राइट वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो मुझसे नफरत करता है या बैर रखता है तो वो मृत्यु से प्यार करता है। ओके, तो आज जो हम सीख रहे हैं कोई हल्की बात नहीं है, गहरी बात है। बुद्धि कभी कभी हम लोगों पे हंस सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि पे कभी नहीं हंसा, वो कभी नहीं हंसे राइट। नीति वचन 8 बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि ये बुद्धि है, और अगर बुद्धि है जिसमें तो उसने जीवन को पा लिया है। अगर आपने नहीं पाया तो आपने अपने आप को बहुत हानि पहुंचाई, और अगर आप बुद्धि से नफरत करते हो तो इससे अच्छा आप मौत से ही, आप मौत का मुंह देख लो, क्योंकि आप सच में मौत से प्यार करते हो। ओके, ये हमने पढ़ लिया। ओके, तो बहुत अच्छी बात है राइट। बहुत अच्छे से लिखा है इसमें कि बुद्धि की आवाज ऐसी है राइट, और सच्चाई की बात है, सीधी बात है, कोई ट्विस्टेड नहीं है, तो बड़ा आसान होना चाहिए राइट। हमने सुन लिया और हमने कर लिया राइट। ऐसे है नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम सब को इस सेशन की जरूरत नहीं होती राइट, और हम सबकी जिंदगी बहुत सही से चल रही होती अगर सच में हमें हम सब एक ही आवाज होती। प्रॉब्लम ये है कि एक आवाज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दो आवाजें हैं। ओके, नीति वचन 9:13 से लेके 18 देखेंगे। ओके, नीति वचन 9:13 से लेके 18। तो एक दूसरी आवाज है और उसकी तुलना एक औरत के साथ की गई है। ओके, सो यहाँ पे जो लेडीज हैं ज्यादा बुरा मत मानना। ओके, जस्ट लिखा गया है। ओके, और ये जो औरत है ओके, उसका नाम मूर्खता है, और 9:13 कि उसकी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत लाउड है, बहुत जोर की आवाज है। ठीक है, वो लालच देख के बुला रही है लेकिन उसको पता कुछ नहीं है। 9:14 कि वो अपने घर के चौकट पे बैठी है और एकदम उच्च स्थान पे उसने अपनी जैसे कि आसन बना लिया है, और जो भी वहां से गुजर रहा है वो आवाज दे रही है। 16:16 कि जो बहुत सीधा साधा है वो आवाज बोल रही है कि तुम अंदर आ जाओ राइट, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम इधर आ जाओ। 17:17 कि जो पानी हम चुराया हुआ पानी जो है वो बहुत मीठा होता है, और जो ब्रेड है जो हम छुप छुप के खाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। 18 ये लिखा है कि इसको ये नहीं पता कि उसका जो अंत है वो मृत्यु है और परमेश्वर से बहुत बहुत दूर है। ओके, तो यहाँ पे हम एक तस्वीर देखते हैं जिसका नाम है मूर्खता, और मूर्खता की जो आवाज है वो बहुत जोर की है राइट, और वो बहुत लालच दे रही है, आकर्षित कर रही है। जो सीधे साधे लोग हैं उसको, उनको वो कंफ्यूज कर रही है, और वो बोल रही है कि ये चुरा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत मीठा होगा, छुप छुप के इसको तो इसके मजे ले लो, बहुत अच्छा लगेगा राइट। लेकिन अंत में क्या लिखा है 18 कि इनको ये नहीं पता कि इस, ये जो मार्ग है तुम इस पे चलते जाओगे, ये सब करते रहोगे, उसका अंत मृत्यु है, और ये जो नर्क की ओर लेके जाता है। बहुत बहुत साधारण सी बात है, नीति वचन में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो वही है, बहुत सीधे साधे जो साधारण जिनकी सोच है वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं राइट, क्योंकि सच्चाई ऐसी है, बहुत सिंपल है राइट। तो दो आवाजें हैं राइट, जैसे कि अभी जो हमने गेम खेला ठीक है, वो सिर्फ एक गेम था राइट, लेकिन जब इतनी सारी आवाजें आई तो हमें सुनना बड़ा मुश्किल था राइट। जब हमने कान लगाया हम नहीं सुन पाए क्योंकि इतनी सारी आवाजें थी, और हमारे अंदर भी कभी कभी बहुत सारी आवाजें हैं आती हैं, हमारे चारों ओर भी बहुत सारी आवाजें हैं, हमें क्या करना है, किस तरफ जाना है, दाएं मुड़े बाएं मुड़े, आगे सीधा चले पीछे चले, क्या करना है राइट। और नीति वचन में निर्णय दो, हमें दो दो रास्ते हैं, दो आवाजें हैं। तो
अगर मैं आपसे पूछूं कि चांस क्या यही है कि 50 अगर दो 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 चॉइस है, दो निर्णय है, तो 50% अगर हमने गलती भी कर दी तो 50% तो हम सही होंगे, ऐसी बात है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि 50% हम हमारा जो आंसर रहेगा या जो हम निर्णय लेंगे वो एकदम सही होगा. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये परमेश्वर के वचन में है. ओके, अगर आपके पास आप रोमियो 3:10-12 खोलो. ओके, रोमियो 3:10-12 यहाँ पे लिखा है, तो फिर हम क्या कहें? क्या हम यहूदी गैर यहूदिया यहूदियों से किसी भी तरह अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये दर्शा चुके हैं कि चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी, सब पाप के वश में है. शास्त्र कहता है कोई भी धर्मी नहीं एक भी, कोई समझदार नहीं एक भी, कोई ऐसा नहीं जो प्रभु को खोजता, सब भटक गए, वे सब ही निकम्मे बन गए, साथ साथ सबके सब कोई भी यहाँ पर दया तो दिखाता नहीं, एक भी नहीं. राइट, बाइबल में बहुत अच्छी तरह से, बहुत साधारण रूप से रोमियो 3:10-12 में ये लिखा है कि हम में से एक भी नहीं है. राइट, यहाँ पे 20 से भी ज्यादा लोग हैं, 18, राइट, ओके, हम ऑलमोस्ट 20 लोग हैं यहाँ पे, हम में से एक भी नहीं है जो सही रास्ते को चुनेगा. ऐसा नहीं है कि कभी कभी हम सही करते हैं और कभी कभी गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं है. बाइबल में लिखा है कि अगर हम अपने आप कोई निर्णय लेते हैं, करेंगे, हम में से एक भी नहीं है जो सही रास्ते पे चलता है. हम पापी हैं और सच में हमें एक मसीहा की जरूरत है. राइट, और वो मसीहा हमारा यीशु मसीह है. जब हम सच में गिड़गिड़ा के मांगते हैं माफी के लिए और उनके पास आते हैं, तो वो हमें हमारे रास्तों को सीधे कर सकता है. हम अगर अपने आप को घमंडी घमंड से बस आगे चलेंगे कि हमने तो गलती नहीं की है, हम सही चल रहे हैं, हम तो मूर्खता तो हमसे 100 मील दूर है. राइट, परमेश्वर हमारे लिए हम सबके लिए यही वचन है कि वचन बोलता है कि हम में से एक भी नहीं है जो सही रास्ते को पकड़ के चल रहा है. राइट, हम सबको कभी कभी लगता है कि सच में हमारे अंदर बहुत सारी आवाजें हैं, किसकी आवाज सुने, चारों ओर बहुत सारी आवाज है, किसकी आवाज को हम सुनेंगे. राइट, एक छोटा सा उदाहरण शायद आप लोगों ने इसमें ये सुना भी होगा. एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक जो दादाजी है वो अपने बच्चे अपने पोते के साथ बैठा है और वो कहता है कि समझा रहा है कि मेरे अंदर ना जैसे कि दो भेड़ हैं. राइट, या जो दो भेड़ हैं मेरे अंदर और वो एकदम झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को एकदम जैसे बहुत लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खत्म कर ही देगा, खत्म करके ही छोड़ेगा. और वो जो पोता है वो अपने दादाजी से पूछता है तो लेकिन अंत में बचेगा कौन? इतना लड़ रहे हैं, इतना झगड़ रहे हैं, एक तो दूसरे को खत्म ही कर देगा, बचेगा कौन? राइट, शायद आप में से किसी लोगों ने पहले भी सुना होगा. और उनके जो दादाजी है वो उनके बोलते हैं वही बचेगा जिसको मैं खाना खिलाऊंगा. राइट, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी आवाजें हैं, मूर्खता की आवाज है, बुद्धि की भी आवाज है चारों ओर. कभी कभी हमें लगता है कि क्या हम गलत फैसला ले रहे हैं, हमें नहीं पता सही फैसला क्या है, गलत फैसला क्या है. लेकिन अपने आप को ये याद दिलाना है कि वही सफल होगा. राइट, वही भीड़ हमारे अंदर जो है वही वही जीवित रहेगा जिसको हम खिलाएंगे. राइट, और हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम अपने अंदर जो भीड़ है राइट थोड़ा सा पागल है. राइट, दो आवाजें हैं, हम किसको खिला रहे हैं और उसको क्या खिला रहे हैं. राइट, बहुत जरूरी है कि हमें किसकी आवाज, जो हमारे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कुछ लोग दिए हैं जो हमारे माता पिता हैं. राइट, या हमसे बड़े हैं. परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी हमारी उम्र हो
जितना भी कमा लिया, जितनी भी बुद्धि पाली, जितनी भी सफलता पाली, नाम पा लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे माता पिता, हमारे जो हमारे परिवार में जो बड़े हैं उनका हम उनकी हम बात को ना सुने, राइट। आदर सम्मान की योग्य है, चाहे आपके माता पिता परमेश्वर को जानते या नहीं भी जानते, राइट। आज्ञा मानना और आदर करना परमेश्वर ने हमें हमें बोला है कि हमें ये हमें ये करना है। हमारी कलीसिया में पास्टर हैं, अगुवे हैं, हमारे लीडर्स हैं, उन वो लोग हैं जिनके जो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, उनकी बात को मानना बहुत 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 जरूरी है, राइट। अपने हमें कभी कभी एक रास्ता सही लगता है, लेकिन हमें सच में हमारे हमसे बड़े जो लोग हैं या परमेश्वर में आगे जो हमसे है उनकी बात मानना बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी गलत हो सकते हैं, राइट। कभी कभी वो भी मनुष्य ही हैं, चाहे वो जितना भी परमेश्वर को जान ले, चाहे वो जितना भी परमेश्वर से प्यार कर ले, लेकिन वो भी मनुष्य है। वो शुरू से लेके अंत तक नहीं वो नहीं देख सकते, उनको इतनी समझ नहीं है, वो भी सीमित है, राइट। लेकिन एक चीज है जो सीमित नहीं है और जो कभी भी गलत नहीं होगा, जो कभी भी धोखा नहीं देगा, और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है, और इसलिए जब हम शुरू में बस बात कर रहे थे कि परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, और अगर उस आवाज को खिलाना है, राइट, जो बुद्धि की आवाज है, जो मूर्ता नहीं है, राइट, परमेश्वर का वचन ही उसके लिए वो भोजन है, जो आवाज जो हमारे अंदर है उसको खिलाएगा, राइट। वही हमारा एंकर है, हमारा जो हमें इधर उधर भटकने से हमारी हमारी सहायता करेगा। आप सब अगर 1 कुरिन्थियों 1:24-25-30 हम वहां पे देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला भाग, पहला चैप्टर 24:25-30। मैं पढ़ देती हूँ। किंतु उनके लिए जिन्हें बुला लिया गया है, फिर चाहे वे यहूदी हैं या गैर यहूदी, ये उपदेश मसीह है जो परमेश्वर की शक्ति है और परमेश्वर का विवेक है, क्योंकि परमेश्वर की तथा कथित मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से कहीं अधिक विवेकपूर्ण है, और परमेश्वर की तथा कथित दुर्बलता मनुष्य की शक्ति से कहीं अधिक सक्षम है। और 30 में लिखा है, किंतु तुम यीशु मसीह में उसी के कारण स्थित हो, वही परमेश्वर के वरदानों के रूप में हमारी बुद्धि बन गया है, और उसी के द्वारा हम निर्दोष ठहराए गए ताकि परमेश्वर को समर्पित हो सके और हम पापों से छुटकारा और हमें पापों से छुटकारा मिल पाए, राइट। इसमें परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है कि बुद्धि की आवाज है, बुद्धि का एक चरित्र है, बुद्धि की एक परिभाषा है, नीति वचन में हमने देख लिया, मूर्खता की भी परिभाषा हमने देख ली। हमें क्या करना है मूर्खता की आवाज को दबाने के लिए और बुद्धि की आवाज को और अच्छी तरह से कि हम उसको सुन सके, वो भी हमने देख लिया। लेकिन पहला कुरिन्थियों एक पहले चैप्टर में ये लिखा है कि जो बुद्धि है उसका एक रूप है, उसका एक नाम है, उसका एक चेहरा है, और वो यीशु मसीह है। अगर आप और हम सब बुद्धि चाहते हैं और हम बुद्धि को सही स्थान देना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और हम सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, यीशु मसीह के बिना नहीं हो पाएगा। जब हम नीति वचन 8 का लास्ट पे पढ़ रहे थे कि जिसने बुद्धि को पा लिया, राइट, उसने जीवन पा लिया, पहला कुरिन्थियों में हम देख अच्छे से देख सकते हैं कि जिसने यीशु मसीह को जान लिया उसने जीवन पा लिया, जिसने यीशु मसीह को नहीं पाया, राइट, वो अपने आप को बहुत हानि पहुंचाता है। और उसके बाद यही नहीं है कि अगर हमने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, उनके रास्तों पे हम नहीं चले, तो सिर्फ हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। इसमें ये लिखा है कि हम अपने आप को नरक दे रहे हैं, राइट। और यीशु मसीह को और बुद्धि को हल्के में लेना और उसको साइड पे कर देना और अपने आप ही जिंदगी को जीना सच में
बहुत बहुत मूड रुकता है, राइट. हम अपने एंकर पैसेज राइट वापस जाते हैं, नीति वचन 8 और उसका लास्ट हम पढ़ेंगे. राइट, कोई पढ़ देगा प्लीज? सुनो, आप पढ़ सकते हैं प्लीज, आपके ट्रांसलेशन में क्या लिखा है. नीति वचन 8 उसका 11. क्योंकि बुद्धि रत्नों से भी उत्तम है, उसकी तुलना किसी भी मन भावनी वस्तु से नहीं की जा सकती. राइट, सोने और चांदी और इस जिंदगी में हम जो भी कुछ पाएंगे उससे कई 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 ज्यादा मूल्यवान, कई कई ज्यादा जरूरी बुद्धि है. राइट, और हमने आज बुद्धि का की परिभाषा ही नहीं, हमने बुद्धि का चरित्र और उनका उनका चेहरा भी देख लिया, और वो यीशु मसीह है. राइट, यीशु मसीह इस दुनिया के चांदी और सोने और घर और बंगला और नाम और चौरत और सेवकाई सब 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 से कई 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 गुना ज्यादा मूल्यवान है. राइट, एंड सच में मैं दुआ करती हूँ कि हम जब लोग हमारी जिंदगी को देखे, जब परमेश्वर हमारी जिंदगी को देखे, तो सच में वो देखे कि इस ये सच में ये बुद्धिमान आदमी है. राइट, इस ये किस रास्ते पे चलना है, क्या सुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, किस दिशा में हमें जाना है. राइट, परमेश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे. राइट, लेकिन एक दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और वो देखेंगे, सच में हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि तुमने ना जिंदगी भर हर कदम बुद्धि से लिया है. राइट, और यही हमारी दुआ प्रार्थना होनी चाहिए. ओके, हम 2-3 मिनट दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमें सच में और भी बुद्धि दे. अपने आप जब लोग हमें देखे तो वो देखे कि इनके अंदर सच में परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर की बुद्धि है. राइट, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं है इसकी जिंदगी में, सबको दिखाने वाला काम, दिखाने वाला जिंदगी नहीं है. चुपचाप अपना काम करना, चुपचाप परमेश्वर की भक्ति करना, परमेश्वर से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना, परमेश्वर की सेवा करना, ये इनकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है. राइट, और परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन जब हम उनके सामने खड़े होंगे, हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि तुमने सही रास्ता अपनाया था. जब तुम उस ऐसी जगह पे थे कि तुम्हें नहीं पता कि इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, जाना भी है, नहीं जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है, तुमने सही निर्णय लिया. राइट, हमारे अंदर जो भी दो आवाजें हैं, हमें मूर्खता की आवाज को खत्म कर देना है. शायद जिंदगी भर वो खत्म नहीं होगा, चीखता ही रहेगा वो हमारे अंदर, वो भेड़ की तरह. राइट, लेकिन जितना ही हम परमेश्वर के वचन को एकदम मनन करते, उसको याद करते, अपनी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना देते, वो जो बुद्धि की आवाज है हमारे अंदर, वो और भी ज्यादा शायद वो चीखेगी नहीं, लेकिन बहुत क्लियर होगा हमारे लिए कि हमें क्या करना है, किस तरह से जिंदगी को जीना है. ओके, हमें सच में परमेश्वर की सहायता मदद की जरूरत है. सो बस 2-3 मिनट हम दुआ करेंगे, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो फिर हम क्वेश्चंस लेंगे. ओके, लेट्स प्रे. प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि किस तरह बुद्धि, सोना, चांदी और इस संसार की हर चीज से बहुत बहुत बढ़ के है. और परमेश्वर बुद्धि सिर्फ सही रास्ता चुनना ये सब नहीं है, लेकिन असली बुद्धि और सही बुद्धि वो यही है कि हम आपको जाने और आपके रास्ते पे चले. परमेश्वर हमारी सहायता मदद कर, क्योंकि हमें पता है कि हम सब आपसे भटक गए हैं, और हम सब आपसे दूर हैं, और हम गलत रास्तों पे चलते हैं, हमने गलत निर्णय लिए हैं, हम गलत संगति भी रखते हैं. परमेश्वर हम कभी कभी अंधेरे में जीते हैं, लेकिन आपने हमें ज्योति में जीने के लिए बनाया है. और प्रभु बस हमें आपकी सहायता मदद की जरूरत है, हमें किस दिशा में जाना है. शायद हम सब के बीच में बहुत से लोग हैं जो ऐसे मुकाम पे है, ऐसी जगह पे अपनी जिंदगी पे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस जगह पे जाना है, ये करना है, नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है. परमेश्वर हम लोगों की आवाज के उस पे नहीं चलना चाहते परमेश्वर, लेकिन आपका हाथ थाम के
परमेश्वर हम अगला कदम लेना चाहते हैं, तो आप हमारी सहायता मदद करें। परमेश्वर हम हमारे अंदर ऐसा विश्वास डाल प्रभु कि जब आप एक शब्द बोलते हैं तो हमारे लिए वो काफी है, और परमेश्वर हमें हिम्मत दे, और पवित्र आत्मा की मदद को मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारे हमारे हमें बुद्धि दे परमेश्वर। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जब हम बुद्धि के लिए मांगते हैं तो आप भरपूरी से बरसाते हैं हमारी जिंदगी पे। तो परमेश्वर हमारे यूथ के हर नौजवान को हम आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु, आप अपना हाथ उन पे रखे, ज्ञान और बुद्धि से भर प्रभु, अपने चरित्र से भर, सहायता मदद कर प्रभु। बहुत सारे निर्णय लेने हैं और ये आसान नहीं है परमेश्वर, ये सही गलत की बात नहीं है, लेकिन जो खरा रास्ता है, जो सही रास्ता है, उसी रास्ते पे हम चलना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु, और हम में से जो भी है जो सच में प्रभु हम ऐसे हमें डिसीजन लेने, निर्णय लेने जो हम दूसरे को बोल भी नहीं सकते प्रभु, उन लोगों पे प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा बस उन ढेले प्रभु और सहायता मदद करें, ताकि वो सच में जान सके कि किस रास्ते पे चलना है और हमें क्या करना है। और प्रभु हम अंत में प्रभु हमारा और कोई नहीं है प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और हम किस दिशा में जाएंगे, किसके पास जाएंगे प्रभु, आप ही हैं जो हमारे हमारे सहायक है। आपकी पवित्र आत्मा आपने दी है प्रभु, हम बस मांगते हैं बुद्धि के लिए प्रभु, हमें क्या करना है, किस तरह से चलना है प्रभु। हमारी जिंदगी में विश्वास नजर आए, ज्योति नजर आए प्रभु, और हम जिंदगी भर हर कदम एक एक कदम लेके प्रभु सही रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप हमारी सहायता मदद करें, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। I don't know कि हमारे पास टाइम है प्रश्नों के लिए, लेकिन जिनको जाना है आई गेस जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को स्पेशल प्रार्थना की